हम हैं आज राजगीर में, मगध की पुरानी राजधानी, जो 16 महाजनपद थे उनमें एक मगध सबसे बड़ा राज्य था, जिसके राजा बिंबिसार हुआ करते थे। बिंबिसार जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ के 29 साल की आयु में आए, तो सबसे पहले इस पहाड़ी पे चढ़ते हुए पहुंचे। बिंबिसार को जब ये पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा आकर्षक है, बलिष्ठ है, बुद्धिमान है, और वो एक प्रव्रजक यानी कि घर से घर को त्याग कर और ज्ञान की खोज में इधर आया हुआ है, तो वो उससे मिलने के लिए, सिद्धार्थ गौतम से मिलने के लिए खुद यहां चल के आए। जहां तक रथ आ सका वहां तक रथ, उसके बाद में पैदल। जब उनको ये पता चला कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एक खेती परिवार से बहुत बड़े खेतीहर हैं और बड़ा नाम है, तो उन्होंने उनको अपना आधा राज्य पेशकश किया कि आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए। और ये सब संन्यास वन्यास प्रव्रजा व्रजा छोड़ दीजिए। सिद्धार्थ गौतम से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं दृढ़ निश्चय मैंने किया है, मैं हर हालत में दुख और दुख के कारण कारण का निवारण और निवारण का मार्ग खोजूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ, इस प्रतिष्ठा के साथ, इस कमिटमेंट के साथ मैं यहां आया हूं। आपने मुझे आधा राज्य देने की पेशकश की, मैं उसका बहुत आभारी हूं। जब बिंबिसार को पता चला कि इनका निश्चय दृढ़ है, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो तो आप मेरे पास, मेरे आतिथ्य मेरे राज्य में जरूर स्वीकार करें। उन्होंने स्वीकार किया। यहां बुद्ध सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए। 6 साल तक लगातार वो पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, आश्रम जिनको बुला करते थे, वहां पढ़ाई करते रहे, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये राजगीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शांति स्तूप है जो गुरुजी, जापान के फ्यूजी गुरुजी ने अपनी एक श्रृंखला, जो चैन, एक शांति स्तूप होगी पूरे विश्व में जो चैन है, उसके तहत ये बना हुआ है। जब ये स्तूप यहां नहीं था तो ये पूरी पहाड़ी होगी। और यहां बिंबिसार की जेल भी है, यहां वो रथ रुकने के साइन भी हैं, और ये 5 खूबसूरत पहाड़ियों से ढका हुआ क्षेत्र है। और बहुत सारी इसके बारे में जानकारी है जो एक वीडियो में देना संभव नहीं है। यहां बड़ी रौनक रहती है, चहल पहल रहती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी तो यहां देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं, हर समय यहां रौनक रहती है। जीवन में एक बार राजगीर जरूर आइए, क्योंकि जहां मैं संक्रमण कर रहा हूं और जहां मैं घूम रहा हूं, आप यकीन करें ना करें, मगर यहां विश्व गुरु, जगत गुरु, जगन्नाथ, बोधिसत्व, तथागत, सम्यक संबुद्ध खुद रहा करते थे और ऐसे ही चक्रवण किया करते थे। और यहां वो बहुत ज्यादा शिक्षा लोगों को दिया करते थे। दोनों उनके राइट और लेफ्ट जो शिष्य थे, सारिपुत्र और मोगलयान, वो यहीं अपने संजय वैलिट पुत्र से शिक्षा प्राप्त करते थे, जो बाद में उनको छोड़ के भगवान बुद्ध के साधने में आए और उनके शिष्य बने। और भगवान बुद्ध की निर्वाण प्राप्त के बाद सबसे पहले इसी जगह, यहां एक सत्पर्णी गुफा भी है, इसी गुफा में यहां 7 माह तक लगातार संघायन हुआ था, जो बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु ने जिसका प्रबंध किया था, बहुत बड़ा मंडप बना था। पहली बार जो त्रिपिटक है वो यहीं पे उसका बंधन हुआ था। त्रिपिटक का बंधन, सूतों का बंधन, सूत रक्षा बंधन और रक्षा बंधन उसी नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। मैं सुधीर दास सिंह, राजगीर, नालंदा जिला, बिहार से।